हाय गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू चैनल एक नया वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज है 25 जनवरी गुरुवार और 2026। आज होटल में एक मस्त पार्टी है गोद भराई का। तो होटल में जाने से पहले जाएंगे, आज थोड़ा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, वहाँ पे जाऊँगा। फिर वहाँ से आके फिर होटल में आके आप लोगों को जितना होता है उतना दिखाऊँगा गोद भराई का पार्टी का रसम। तो चलिए बात बाकी बात मोटो बलोक सेटअप में, तो चलिए बाइक पे। तो आज है 25 तारीख और कल है 26 तारीख। तो कल गणप्रजातंत्र दिवस है, तो एडवांस शुभेच्छा सबको गणप्रजातंत्र दिवस का। तो अभी एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, 1:30 बजे है मेरे को भोसरी फुगे मॉल में, तो वहाँ पे जा रहा हूँ। और वहाँ पे जाने के बाद डॉक्टर से जो भी बात रहेगा, काउंसलिंग रहेगा, वो करके लेता हूँ। लेने के बाद फिर होटल पे आके अपना खाना पीना खा के फिर अपना रोज़ का ड्यूटी वो करना पड़ेगा। और पहले आपको बताया आज एक गोद भराई का पार्टी है 70-80 लोगों का, वो चालू है ऑलरेडी, लेकिन मैं जाते जाते वो भी ख़त्म नहीं होगा, वो भी चालू रहेगा, तो भी वो आप लोगों का देखा दूंगा। ये MIDC भोसरी है, तो यहाँ पे हमेशा गर्दी रहता है, चारों साइड कंपनी है, आप लोग देख सकते हो पूरा भीड़ भाड़ है। और वेदर बोलूँ, वेदर तो बहुत ही भारी है, धूप है, सुबह बहुत ठंडी था। एक्चुअली सुबह इतना 8-10 डिग्री हो रहा है ठंडी, तो सुबह बहुत ठंडी था। और सुबह मैं ब्लॉग चालू नहीं किया था क्योंकि आज कैमरा साथ में नहीं था और चार्जिंग भी नहीं था, इसके लिए मैं सोचा दोपहर को ही चालू करूं। तो दोपहर को चालू किया और आप लोगों से बात कर रहा हूं। तो अभी और 2 किलोमीटर बचा हुआ है डॉक्टर के पास, चलिए बात बाकी बात। और हमें जाते जाते नासिक रोड भी आएगा, नासिक हाईवे मतलब पुणे टू नासिक नेशनल हाईवे, उसमें भी थोड़ा चलाऊंगा आज बाइक। तो चलिए आगे नासिक हाईवे पे मिलता हूँ आप लोगों से। पुणे टू नासिक नेशनल हाईवे, यहाँ से 1.5 किलोमीटर चलाना पड़ता है बाइक। तो यहाँ पे भीड़ भाड़ बहुत है, ना जाने कितना यूट्यूबर ये रास्ता से पुणे टू नासिक किया हुआ है, पुणे टू दिल्ली किया हुआ है। हमारा एक फेवरेट यूट्यूबर दीप रंजन साचन सर जी यही रोड से गया था, 2 बार पुणे में आया था, तो हमें मिलने को मौका नहीं, मुझे मालूम था लेकिन कहाँ पे आया, कहाँ ठहरा, कहाँ रुका था सब पता था, लेकिन वो मिलने को मौका नहीं मिला। बेचारा दिल्ली का है, तो 2-3 बार पुणे में आया था, पुणे टू गोवा होके फिर कन्याकुमारी का राइड किया था, उस टाइम में भी आया था यहाँ पे। तो आगे कभी मौका मिला तो सर जी से ज़रूर मिलूँगा, क्योंकि वो हमारा फेवरेट है, उनका ब्लॉग हमेशा हम देखते हैं, दीप रंजन साचन। अभी यही तक था, यही से लेफ्ट टर्न मार के हमें फुगे मॉल, भोसरी फुगे मॉल में जाना है, तो चलिए सीधा फुगे मॉल। आ गया फुगे मॉल, अभी गाड़ी कहाँ पे पार्क करूँ, यहाँ पे कर देता हूँ, यहाँ पे पार्किंग कर देता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ। चलो डॉक्टर देखा के हो गया, काफ़ी टाइम लग गया क्योंकि मैंने लेट आया था, इसके लिए 2 पेशेंट ज़्यादा था मेरे सामने, उनको होने के बाद फिर मेरे को बुलाया, तो हो गया अच्छा से, जो जो प्रॉब्लम था बताया उनको, वो बोला ठीक है, ठीक हो जाएगा, सब दवाई ववाई दिया है। तो चलिए अभी होटल में जाता हूँ। और ये मुंबई नहीं, ये नासिक पुणे हाईवे है, यहाँ से मेरे को राइट टर्न मार के भोसरी होके सीधा नेहरू नगर जाना है। तो ये छाबा चौक है, इधर से राइट मारेंगे, ये रोड तो बहुत गर्दी रहता है लेकिन अभी तो गर्दी नहीं है, अभी फिलहाल फाका है। यहाँ पुणे सिटी में बहुत जगह घुमा है, एक्चुअली लाभ में पूरा पुणे सिटी में घूम लिया मैंने, क्योंकि पहले मैं पोर्टर का उबेर का काम करता था, अभी तो करता नहीं फिलहाल, लेकिन ये जो रोड है लांडेवाड़ी चौक बोलते हैं इसको, सबसे ज़्यादा गर्दी रहता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे बाहर का लोग बहुत भरा हुआ है, पूरा साइड रोड का 2 साइड पे बाहर से लोग आके सब यहाँ पे काम भीम करता है, इसके लिए बहुत गर्दी, इतना गर्दी है, बहुत गर्दी। चलो अभी रोड भी अच्छा मिल गया, अभी फटाफट जाना है होटल पे, जाके खाना पीना खा के फिर काम है, ड्यूटी है, ड्यूटी करना है, और पार्टी तो चालू रहेगा गोद भराई का। एक्चुअली MIDC रोड है, ये रोड पे भीड़ हमेशा रहता है और साइड से सब
पूरा फॉरेन का जैसा रोड है, चारों साइड से झाड़ लगा हुआ है। और वेदर तो अभी ठीक है, अभी सूरज दादा उठा हुआ है, इसके लिए ठीक है वेदर। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए सीधा होटल पे, होटल में जाने के बाद फिर आप लोगों से बात करता हूँ, क्योंकि सामने थोड़ा गर्दी लग रहा है मुझे। अभी जाके खाना पीना खाता हूँ और बाद में क्या जो भी चीज़ है आप लोगों को दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बहुत बहुत गंदा लग रहा है, इतना गंदा क्यों है? अच्छा खाने में क्या है बताओ? आलू मटर है, स्टफ सब्जी और दाल पालक है, दाल मखनी है। और ये क्या अचार है? क्या लोनचा पिंचा क्या करे वो हरा भरा कबाब? हाँ माटी कटने चुनने सब लोग इधर बैठे हुए हैं, सब बैठा है। ये लोगों का भी काम पे लगा तो इसको ज़्यादा करके जाना। ए काकी कटने काकी नहीं है, काकी नहीं, काकी टमाटर कटने हरा भरा खाओ। रसम का पार्टी का डेकोरेशन आपको दिख रहे थे साइड से। थोड़ी देर में खाना चालू हो जाएगा। आकाश इधर कौन है? आकाश है क्या? बाद में पार्टी का खाना सब गया क्या? ये कौन सा है, पनीर टिक्का मसाला है क्या? और बाद भाई सब गया क्या? गुलाब जामुन गया क्या? गुलाब जामुन देखा देखा कितना बाकी है बैलेंस? बाकी है, इतना बाकी है क्या? सब चला गया। पूरा खाना चालू है अभी, देखो खाना चालू है। ये क्या बाकी है सब है क्या? नहीं दे रहे, नहीं ले जाओ रायता ले जाओ। चलो अभी इधर थेपला ओके खाना चालू है। ये डेकोरेशन है यहाँ पे, पानी टिक्का मसाला इतना क्यों मांग रहे? रोटी नहीं कुछ नहीं। डॉन आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दूसरा किधर है? दूसरा अंदर जा, जा खाना खा, जा जा अंदर। अरे बहुत खराब है, खराब होने को नहीं हो रहे। चलो
पूरा गिनती करो, जल्दी करो, गार्बेज के लिए जल्दी कर, जल्दी ये सब पैक करो ना, गार्बेज के लिए अगले को गार्बेज खत्म हो गया। यहाँ पे पूरा सामान है, इधर 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 अभी पोर्टर करता हूँ और दूसरे होटल में भेज देता हूँ। यहाँ पे फ्रूट पंच का तैयारी चालू है, फ्रूट पंच शिप कौन है 4-5 और एक दे दो, अगर नहीं लिया तो तुरंत भेज देने का नीचे। चलो सर पार्टी का बिल का अमाउंट देखिए कितना हुआ, 17,555 रुपये पार्टी यहाँ पे चालू था। जो यही तक खत्म करता हूँ, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे।